हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। और वहीं प्रवासी मजदूरों के लिए रेवाड़ी रोडवेज ने 96 बसें यूपी के लिए चलाई हैं, जिन्हें सैनिटाइज भी किया गया है। रोडवेज चालक और रोडवेज के जिला प्रधान ने बताया कि यहां से 96 बसों का यूपी बॉर्डर तक संचालन किया गया, जरूरत पड़ी तो और बसें भी चलाई जाएंगी। ये बसें इन लोगों को यूपी बॉर्डर तक पहुंचाएंगी। आगे वहां से प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी है इन्हें इनकी मंजिल तक पहुंचाना। जिला प्रधान ने अपनी नाराजगी भी इस दौरान व्यक्त करते हुए कहा कि जो सरकार रोडवेज का निजीकरण करने की बात करती है, तो अब संकट की घड़ी में निजी बसों का संचालन क्यों नहीं किया जा रहा। नंबर कहाँ काम करते हो? काम खरसावर में आया था। अच्छा, आप कहाँ जाना चाह रहे हैं? अब जा रहे हम बरेली बारह सरनापुर। अच्छा, रेवाड़ी रोडवेज ने आपको बस करके दिया है बॉर्डर तक पहुँचाने के लिए, क्या कहेंगे? रेवाड़ी रोडवेज आपके लिए बस, हम रेवाड़ी से रोडवेज बस भेज रही है। बढ़िया काम कर दिया सरकार ने, बहुत बढ़िया। केला बिक रहा है, चाय भी मिली। अब अपने घर पहुँच जाएंगे? अपने घर पहुँच जाएंगे। वैसे क्यों जा रहे हो आप, जब सरकार ने ये कह दिया कि जहाँ हो वहीं रहो, सारा इंतजाम यहाँ पे हो जाएगा? घर में बच्चे छोटे छोटे हैं, बच्चे बंद हो गए थे। खाने को नहीं मिल रहा यहाँ पे कुछ है? खाने को नहीं मिल रहा? खाने को मिल रहा था, चाय मिले, केला मिले। डिपो ने ये फैसला लिया है, कितनी बसें यहाँ से लोकल चलाएगी? यहाँ से 95 गाड़ी जा चुकी है, 5-7 गाड़ी और अब भी ड्राइवर खड़े हैं। जितनी भीड़ आ रही है उतने उनके हिसाब से भेज रहे हैं और गाजियाबाद भेज रहे हैं। गाजियाबाद से वो चाहे लखनऊ भेजे, चाहे कानपुर भेजे, चाहे झांसी भेजे, आगरा भेजे, वहाँ हमारे ड्यूटी क्लर्क मौजूद है। डीसी गाजियाबाद के ऊपर डिपेंड है कि वो जहाँ भेजेंगे वहाँ जाएंगे। कब तक जारी रहेगा ये सिलसिला? नहीं, अब 100 गाड़ियां हैं जितनी सरकार, पहले तो कहते थे निजीकरण मत करो, जब तो नहीं मानी सरकार, निजीकरण कर रहे थे, अब निजीकरण ले आओ ना, कहा है? प्राइवेट बसें खड़ी हैं। धुलाई उलाई करके जा रही है बस? हमारी सारी गाड़ी धुलाई सैनिटाइज गाड़ियां हैं, खड़ी कर रखी थी सारी गाड़ियां, और कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब वो आपसी बुला आएंगे जब सैनिटाइज करवाएंगे।